Hello everyone, you are watching Dr. Bhavin Kumar, and in this series of Q&A, your queries of last week and today is my reply. So I am going to discuss and tackle your queries. So first of all, I will tackle the queries of Nitish Kumar. He is saying that, hi, mera BHU ABM mein economic mil raha hai. Kya uska scope acha hai? Hai ya nahi? Please sir, tell. देखिए नीतीश कुमार जी, एवरी सब्जेक्ट का एक स्कोप होता है और ये सबसे बड़ा डिपेंड ये आपको करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. आप देखिए, एक मार्केटिंग में बहुत अच्छा और इकोनॉमिक्स में आपका एक अच्छा पकड़ है तो वहाँ भी एक स्कोप है. कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक जो भी डिमांडिंग सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आप जाते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, देन यू कैन नॉट एक्सेल. तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका इनसाइड क्या कहता है. यू कैन हैंडल दैट सब्जेक्ट इन अ वेरी वेल वे और नॉट. तो ये है, मैं इसमें नहीं कहूँगा कि ये इसका ये सब्जेक्ट है, क्योंकि स्कोप जो होती है इट इज़ डिपेंड ऑन द डिमांड. व्हाट इज़ द करंटली डिमांड इन जस्ट द प्राइवेट सेक्टर इज डिमांडिंग मोर एंड मोर. तो और जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें कैसी इसकी वैकेंसी है, ठीक है, इन सब चीज़ को एनालाइज कर लो. और इसके बाद आप खुद आपका जिसमें इंटरेस्ट आता है, अगर आता है इंटरेस्ट है तो यू कैन डू. उसके बाद विकास यादव कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद सर आपने कोचिंग कहाँ से की? मैं पहली बात, विकास यादव, आई वांट टू टेल दैट राजेंद्र प्रसाद जो ARS सेकंड रैंकर हैं, इन्होंने कहीं कोचिंग नहीं किया था, ठीक है. और ही वॉज ए IRI स्टूडेंट, ही डिड हिज मास्टर फ्रॉम द BHU एंड देन PhD फ्रॉम द IRI. सो ही जेंट ज्वाइन एनी कोचिंग. ये आपका मिसकंसेप्शन है कि किसी कोचिंग से आपको हेल्प मिल जाएगा. तो मेरा भी सजेशन है, डोंट ज्वाइन द कोचिंग एंड टेक द हेल ऑल द मोटिवेशन गाइडेंस फ्रॉम दिस हियर एंड डू योर ओन स्ट्रेटजी एंड प्रिपेयर वेरी वेल. ओके, उसके बाद अनुराग अतारी कहते हैं, सर जी ICAR डिमांडिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ BSc बट माई बैच रिजल्ट नॉट रिलीज बाई कॉलेज यूनिवर्सिटी सो फेयर नाउ वॉट आर द ऑप्शन फॉर मी. So Anurag Achari ji, I want to say that you go on ICAR site. There you will find on the main site icar.org.in on upper side. There is one contact number and email. You immediately contact that and write your queries to that administrative body. So they will tackle your problem. उसके बाद शुभम के कहते हैं, thank you so much sir and sir आपको lucky निकले. आज ही कॉल लेटर आ गया BHU से. होप आई विल सी यू इन एट IRI. थैंक यू डियर एंड कंग्रेचुलेशन. उसके बाद जो है अतारी तपसोनी कहते हैं, व्हेन विल बी द ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट विल कम. तो मैं बता दूं अतरी जी, आप रेगुलरली चेक करो ICAR की साइट को. वहाँ पर एक आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप रेगुलरली चेक करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा. लेकिन एज सच मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. मानिता बरूज कहते हैं, सर प्लीज़ शेयर मोर ऑन सोशल साइंस. तो ट्राई कर रहा हूँ इन सीरीज आई एम मेकिंग द वीडियो राइट नाउ. आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ द एग्रोनॉमी 13 सीरीज आई मेड ऑफ द एग्रोनॉमी. यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ 13 वीडियो ऑफ द एग्रोनॉमी इन सॉइल साइंस के 10 हैं, वीट साइंस के हैं, इस तरह से सीरियल क्रॉप्स के हैं, इस तरह से बहुत से वीडियोस मैंने अभी बना के डाल रखे हैं. आप उसको जाके अपलोड कर रखे हैं, उसको जाके आप देखें एंड डेफिनेटली दैट विल बेनिफिट यू. उसके बाद हैं राघव बाबू कहते हैं, सर GRE प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देना रहता है? तो मैं बता दूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड आपको तैयारी करने की ज़रूरत है. और थर्ड ईयर ऑनवर्ड अगर 4-3 घंटे आप दे रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते हो, तो अर्ली स्टेज पर 4-5 घंटे दो, ये मोर देन सफिशियंट है अदर देन योर सब्जेक्ट व्हाट यू आर स्टडिंग. एंड व्हेन यू कम इनटू द फोर्थ ईयर देन ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्टडी आवर्स. तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कैसी है, रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है. तो 4-5 घंटे 6 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट. ओके, उसके बाद श्रद्धांजलि पांडा कहते हैं, सर प्लीज़ टेल मी द टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ द एग्रोनॉमी पार्टिकुलर बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट प्लीज़. तो ऐसा कोई एज सच कॉलेज नहीं है जो कि एग्रोनॉमी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अगर करें तो आपको अच्छा खासा एग्रोनॉमी का नॉलेज मिलेगा. जैसे IRI से अगर आप मास्टर करते हैं तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है रिसर्च का एंड ऑल द फैसिलिटी आर अवेलेबल हियर एंड
you can do a very good research as well as you can make a good career. And apart from that, a very good top university also in India, like the G.B. Pant University है, Tamil Nadu है, Hang Rao है, H.U.'s हैं, ये सब बहुत सी, मैंने जिनका नाम नहीं लिया, लेकिन हैं जो कि काफ़ी डिमांड में है और वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है. आप यू कैन परस्यू योर मास्टर फ्रॉम देयर, ओके, एंड यू यू कैन डू अ गुड रिसर्च देयर, ओके. उसके बाद बोलती हैं कि श्रद्धांजलि पांडा कहती हैं, सर योर वीडियो हेल्प्स मी अलॉट क्लियर माई बेसिक कॉन्सेप्ट, थैंक यू. उसके बाद जयवीर मसक कहते हैं, सर कैन यू मेक ए वीडियो लाइक दिस इन द प्लांट साइंस विद द हेल्प ऑफ टॉपर. प्लांट साइंस का अभी मैंने कोई सीरीज लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आई एम ट्राइंग विद द हेल्प ऑफ सम माई कलीग दोज आर हियर, सो आई विल मेक सम वीडियो ऑफ द प्लांट साइंस ऑल्सो इन ऑल द एग्रीकल्चर साइंस आई विल डू, बट इट विल कम ग्रेजुअली बिकॉज इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट ए वन डे गेम. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आफ्टर द ड्यूटी ऑफ एंड दिस इज माई पैशन, बिकॉज वेन आई यूज टू बोर आई यूज टू इंटरटेन बाई द मेकिंग द वीडियो, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग, सो डेफिनेटली इन फ्यूचर यू विल गेट. उसके बाद सिमारदीप सिंह कहते हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द न्यू अपडेट ऑफ द ICAR अबाउट द ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस PG ICAR. नाउ ICAR इज नाउ शोइंग साइट दैट रिजल्ट ऑफ द ओनली दोज कैंडिडेट अपीयर विच अपडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदरवाइज दे विल नॉट गिव द रैंक. तो सिमारदीप जी सिंह, मैं आपसे अगेन कहना चाहता हूँ, इवन मैंने आपके कमेंट में रिप्लाई किया था, क्योंकि आपने बोला था सर दिस इज माई अर्जेंट रिक्वेस्ट, सो आप इमिडिएटली ICAR से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको कोई प्रूफ दीजिए, सो दैट्स वाई कि वो आपका रिजल्ट बना सके, ठीक है ना. इन दैट केस आई कैन नॉट से माई ओन व्यू, देर इज़ द वन ऑप्शन, यू गो ऑन द साइट ऑफ द ICAR, यू विल फाइंड द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एंड इमिडिएटली यू कॉन्टैक्ट टू देम, ठीक है. उसके बाद नितिन चौहान कहते हैं, सर क्या ARS में एवरी ईयर हॉर्टिकल्चर की सीट निकलती है? तो ऐसा कोई किसी भी सब्जेक्ट में डियर फिक्स नहीं है कि आप एवरी ईयर यू विल गेट द सीट ऑफ द ARS, ये इरेगुलर है, लेकिन आता है एक साल दो साल बाद आ ही जाता है, ठीक है ना. और हॉर्टिकल्चर एक अच्छा सब्जेक्ट है, सो लास्ट वन या टू ईयर से थ्री ईयर से थोड़ी इसकी सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन इसके पहले बहुत अच्छी सीटें आई थी. सो डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड इफ यू आर हैविंग द इंटरेस्ट देन यू प्रिपेयर वेल एंड बी रेडी फॉर योर टाइम्स एंड वेन एवर द सीट विल कम जंप एंड क्रैक, ओके. उसके बाद अमित कुमार कहते हैं, प्लांट साइंस पर बनाओ सर. प्लांट साइंस का अमित कुमार जी, आई ऑलरेडी अपलोडेड टू वीडियो रिलेटेड टू द ARS एज वेल एज द रिलेटेड टू द JRF ऑफ द डॉक्टर मुकेश चौधरी, ही वॉज टॉपर ड्यूरिंग हिज टाइम एंड राइट नाउ ही इज अ साइंटिस्ट. सो गो एंड सी द वीडियो ऑफ डॉक्टर मुकेश चौधरी, सिंपली गो इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल एंड देयर यू विल फाइंड द टॉपर ऑफ JRF, टॉपर ऑफ ARS. सो इन दैट प्ले लिस्ट यू विल गेट द वीडियो ऑफ डॉक्टर मुकेश चौधरी एंड सी दैट वीडियो, डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम बिकॉज ही कवर्ड दैट थिंग्स वेरी वेल. उसके बाद दीम मलांगमी कहती हैं, सर प्लीज अपलोड ICAR ARS टॉपर्स फॉर द प्लांट पैथोलॉजी. दीम मलांगमी जी, आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ द टॉपर्स और यू कैन से रैंकर ऑफ द ARS इन डिसिप्लिन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. सो आई रिक्वेस्ट यू गो इन माई प्ले लिस्ट ऑफ द वीडियो इन ARS टॉपर, यू विल गेट द टॉपर ऑफ रैंकर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड वॉट्स दिस इज गिविंग यू शुड फॉलो स्ट्रिक्टली एंड डेफिनेटली यू विल बी अंडर द रैंक एंड यू विल गेट द ARS टू. उसके बाद सेम दीम मलांगी जी कहती हैं, सर प्लीज अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर द प्लांट JRF प्लांट साइंस. सो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई एम नॉट हैविंग एनी सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो व्हाट इज माय सजेशन, यू शुड रिफर द बुक दोज आर कंडक्टेड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड द वे दे आर सजेस्टिंग यू शुड फॉलो स्ट्रिक्टली, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर एंड सक्सेस. एंड माय सजेशन वुड बी डोंट टेक इन द शॉर्ट कट एनी वे, सो बिकॉज इन द सक्सेस there is no shortcut route. Every time you have to go in a proper route with smarts and smart knowledge and smart way, ठीक है. तो उनके वीडियो को देख के आप उनको फॉलो करो, ठीक है ना. उसके बाद आकाश कुशवाहा कहते हैं, सर आई रीड इन प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैग इज नियरली 40%, प्लीज क्लियर दिस. सो फ्रॉम डियर, मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे रखे हैं मेरी वीडियो में, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इन डेप्थ उस ऑप्शंस के जाके आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस
जो मैंने आंसर दिए हैं सही हैं या नहीं। अगर आपको डाउट हो तो आपने जहाँ से पढ़ा है वो सही हो सकता है, लेकिन फ्रॉम वेयर आई हैव गिवन दैट आंसर देयर आज मेंशन दैट 52% इज द कंटिन्यूशन ऑफ प्ले, ठीक है। उसके बाद पटेल सुप्रिया कहते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट मटेरियल्स यू हैव रिफर्ड सर। तो पटेल सुप्रिया जी आप उनके वीडियो को ध्यान से देखिए, वो ऑलरेडी उनके लिंक में उन्होंने अपनी बुक लिस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, यू गो एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर वीडियो रिलेटेड टू द बुक लिस्ट ऑफ ईयरएस एज वेल एज फॉर द जेआरएफ, सो यू गो एंड सी द वीडियो ऑन माई चैनल, ओके। लवप्रीत सिंह कहते हैं सर आपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो मैं बता दूँ लवप्रीत सिंह जी कि डोंट डिपेंड ऑन अनदर्स नोट फॉर द प्रिपरेशन, बिकॉज यू नो योर ओन की ओनली अनलॉक द ए बिग लॉक ऑफ ईयरएस, सो ट्राई टू फोकस ऑन द मेकिंग योर ओन नोट्स बिकॉज अदर नोट्स विल नेवर हेल्प यू एंड दिस इज द मिसकंसेप्शन ऑफ द मेन कैंडिडेट, दे आर कंसिडरिंग दैट इफ दे विल गेट द नोट्स ऑफ समवन अदर्स दोस्त आर क्वालिफाइड देन दे विल ऑल्सो गेट अ सक्सेस, बट आई एम 100% और 95-100% श्योर दैट दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड एनी एग्जाम दे वर मोर डिपेंड ऑन देयर ओन नोट्स दैन द अदर्स नोट, ठीक है। उसके बाद है दीपक पाल कहते हैं सर एक वाटर साइंस की बेस्ट बुक बताइए। तो एक डॉक्टर माइकल की बुक आती है इरिगेशन की है, वाटर साइंस रिलेटेड है, आप उन बुक को आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी एडवांस बुक है और इंडिया में सबसे अच्छी बुक वही है। और इसके अलावा भी आप SRRT की प्रिंसिपल ऑफ सॉरी इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक आती है उसको भी रिफर कर सकते हैं अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं, लेकिन अगर एडवांस जानना चाहते हैं तो आप ये डॉक्टर एम माइकल जो है वाटर साइंस टेक्नोलॉजी के प्रीवियस प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, इवन IRI के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, आप उसको रिफर कर सकते हो। उसके बाद दीपक पाल कहते हैं सर बी बहुत ट्राई किया वाटर साइंस की बुक नहीं मिल रही है, तो हमने आप ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया और उस बुक को आप परचेज कर सकते हो। सर नेट का एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में ही होता है या हिंदी ऑप्शंस भी होते हैं? तो ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल होता है, अब जैसे आप अपना मीडियम चूज करोगे उस मीडियम में आपको आपका क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसी में आपको आंसर देने होंगे। उसके बाद न्यू लीव कैरी ऑन कहते हैं सर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ MSc फॉरेस्ट्री कैन आई अप्लाई फॉर द ईयरएस एग्जाम? श्योरली, क्योंकि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड है फॉर द ईयरएस एग्जाम के लिए वो है MSc, अगर आप MSc क्वालिफाइड हैं देन अगर सीट आती है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है दूसरे हैं ये SK प्लस कोई है सर व्हाट इज द BSc ऑनर्स ऑनर्स? तो डियर जो BSc ऑनर्स है वो कुछ यूनिवर्सिटी जो है ऑनर्स में डिग्री प्रोवाइड करती हैं और 4 साल का जो कोर्स होता है, ठीक है ना, और उसको BSc ऑनर्स की डिग्री का कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात नहीं है। सो अगेन भूवल किशोर कहते हैं हाउ टू क्रैक गेट एग्ज़ाम? गेट एग्ज़ाम के लिए आप पहले बात तो दोस्त मुझे यहाँ पर नॉलेज नहीं है, लेकिन व्हाट वुड बी माय सजेशन, आप उसके सिलेबस को देख लो एक बार जो जिस सब्जेक्ट से आप गेट एग्ज़ाम देने चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें मास्टर करना है आपको, तो उन बुकों को आप रिफ़र करो। यहाँ पर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उस पर आपने जो कमेंट किया हुआ एग्रीकल्चर इंजीनियर है साइंटिस्ट हैं, तो जैसी बुक अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर के हो तो आप जैसे वो बुक सजेस्ट करते हैं उन बुकों को रिफ़र करो और देखो कि उस सिलेबस को कवर करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उन बुक को आप फॉलो करो देन डेफिनेटली यू विल गेट, ठीक है। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट आवर कैरियर। तो डियर रिगार्डिंग द कैरियर ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अभी मैंने कोई ऐसी वीडियो डाली नहीं है, लेकिन दिस इज योर रिक्वेस्ट, सो इन फ्यूचर इन फ्यू इवन डेज और इन मंथ आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम कैंडिडेट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियर इंजीनियरिंग दोज हु हैव गुड मीन्स सक्सेस, सो दे विल टेल यू द व्हाट इज द कैरियर अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगेन आकी घरसाने कहते हैं सर आई प्रिपेयर फॉर GRF सो प्लीज़ प्रोवाइड मेनी सॉल्व क्वेश्चन और प्लान ब्रीडिंग।
ऐसा कुछ ऐसा वीडियो नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई इन द फ्यूचर टू कवर दैट रिगार्डिंग टू योर रिक्वेस्ट. रोजित कांगरे कहते हैं, कैन यू गिव मी योर नंबर? सो नंबर पॉसिबल नहीं है डियर. जो भी सजेशन है, जो भी आपको हेल्प है, यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ द वीडियो एंड टेक द हेल्प फ्रॉम हियर एंड आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट. रोजित अगेन वही कहते हैं, सर कैन यू गिव मी योर नंबर, सॉरी. दीम मलांगवी अगेन सर कहते हैं, सर सर क्यों, प्लीज़ टेल मी द एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर ए आर एस. सो मास्टर इज द एलिजिबिलिटी फॉर द ए आर एस, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द मास्टर. सो इफ यू डिड ए मास्टर इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द ए आर एस. संतोष गुमरे कहते हैं, सर आई एम अप्लाइंग फॉर द फिजिकल साइंस जे आर एफ, सो प्लीज़ गाइड मी अबाउट दैट एंड सिलेबस. तो फिजिकल साइंस से रिलेटेड मैंने टॉपर की वीडियो अपलोड की है डियर, आप जाइए प्ले लिस्ट में, जे आर एफ टॉपर्स की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल साइंस के जो टॉपर अभी 2017 के मैंने उनके वीडियो अपलोड कर रखे हैं. यू वॉच दैट वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ दैट. उसके बाद उत्कर्ष राहुल कहते हैं, सर आई वांट टू नो कोचिंग इज नेसेसरी फॉर द प्रिपेयरिंग जेआरएफ एग्जाम. मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओन व्यू, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर. ठीक है, आप अपने मन से तैयारी कर सकते हो और यू कैन क्रैक. ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किए हैं, व्हाई द कोचिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द आईसीआर जेआरएफ, उसको आप देख लो, आपको बहुत से डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. सर प्लीज़ गिव मी इन्फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल साइंस अवार्ड एंड नेट एंड एआरएस. तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डियर बनाए हैं गोपाल यादव जी, आप उस वीडियो को जाके देख लो, हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, और उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, शुभम गतकल कहते हैं, जेआरएफ इकोनॉमी में स्ट्रेटजिस्ट की कितने क्वेश्चन आते हैं? करीबन 6-7 से 10, मैक्सिमम 10 इन्हीं के करीबन रहता है, 6-7 या 10 क्वेश्चन के करीबन स्टैटिस्टिक्स के रहते हैं, और वो भी डिजाइन से रहते हैं, आरवीडी सीआरडी एलएसडी एंड कुछ टेस्ट के रहेंगे. तो इन सब चीज़ों पर फोकस करो, यू कैन क्रैक दैट. उसके बाद अभिषेक परमार बोलते हैं, सर जेआरएफ का रिजल्ट कब आएगा? तो इसके रिलेटेड डियर आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा आईसीआर की साइट पर, वहाँ पर जाकर देखिए, और जब भी आएगा आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी. ठीक है ना. राजेश वाजिया कहते हैं, सर प्लीज़ अपलोड मंथली वीडियो रिलेटेड टू द करेंट अफेयर ऑफ द एग्रीकल्चर. आपका सजेशन अच्छा आइडिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें कॉन्स्टेंट हमारे साथ हैं कि टाइम का, तो बट योर सजेशन आई विल कंसिडर एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वन वीडियो ऑफ करेंट अफेयर मंथली. थैंक यू. उसके बाद राजेश वाजिया वही, सर प्लीज़ ओके ओके सॉरी. उसके बाद मूर्ति पंकज कहते हैं, स्पीक इन इंग्लिश और कोड सब टाइटल. ओके, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट वीडियो वॉज मेड इन हिंदी. तो मूर्ति जी ट्राई करो टू अंडरस्टैंड सम वॉट हिंदी, बिकॉज हिंदी इज़ नॉट वेरी टफ लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड एंड देर इज ए फ्री, दैट वीडियो इज ए फ्री. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन वे वन टाइम, यू ट्राई टू सी 2-3 times, बिकॉज यू आर द मीन्स रियल सीकर और मीन्स स्टैक होल्डर ऑफ दैट वीडियो. अगर आपको जानना है उसके बारे में, इफ़ यू वॉन्ट टू नो देन यू कैन वॉच दैट वीडियो 2-3 times टिल यू अंडरस्टैंड वट ही इज सेइंग. उसके बाद अनाकन कहते हैं, सर प्लीज़ सजेस्ट बुक फॉर द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. सो आई एम वेरी सॉरी अनाकन जी, आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपर्ट एंड लिस्ट फॉर द live stock production technology, but in future if someone I will get, then definitely I will bring that candidate here, that will benefit you. But you should contact your some senior, those available nearby you, or those are successful in your knowledge, so you can contact with him, then definitely they will tell you. उसके बाद मनाथन पटेल कहते हैं, सर आपका रिसर्च के बारे में कुछ बताएं प्लीज. डियर मैं एज फॉर रिसर्च रिसर्च आई एम इन्वॉल्व इन द टू प्रोजेक्ट इन the division, this institute IRI. One is the precision farming for enhanced input use efficiency in, and other is the conservation agriculture. So these are my two areas. If you are having an interest, then anytime you can come to IRI and then I will show you what I am doing in IRI regarding the research. उसके बाद सरबजीत कौर कहती हैं, डिटेल ओके ओके, इन्होंने कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं रिलेटेड टू द व्हाट वाज आस्क्ड. ओके, उसके बाद टू स्टार्ट करते हैं, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट द जॉब एंड स्कोप ऑफ ए आर एस साइंटिस्ट. तो जॉब
डियर पहले मैं तो बता दूं कि ये ARS एक तरह से सर्विस है, जॉब ही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। ICAR के द्वारा इसको रिक्रूट किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्लास ग्रेड वन जो जॉब होती है उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो ये एक जॉब ही है डियर, ठीक है ना। आई थिंक यू आर अनअवेयर अबाउट द ARS। उसका सत्यम नीमा कहते हैं, थैंक यू सर, आई ऑलवेज लिसन योर ऑल मेडियर, थैंक यू। अरवाज खान कहते हैं, गुड सर एंड गुड सर एंड क्यूरीज सर, मैं जब पढ़ता हूँ वो एग्ज़ाम भी नहीं उपड़ता तो बहुत पता, बट आपके एनालिसिस से मिस यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस क्यू एन ए, सो डेफिनेटली दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट दिस ओनली आई ट्राई आई एम मेकिंग दिस सीरीज फॉर द क्यू एन ए, बिकॉज आई एम नॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एवरी वन एंड रिप्लाई इंडिविजुअली। सो व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई एम डूइंग, आई कैन मेक ए मंथली सीरीज, सो दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। उसके बाद अर्जुन खान कहते हैं, अरवाज खान कहते हैं, गुड सर ए ओके। उसके बाद सरबजीत कौर कहती हैं, सर JRM में फिजिकल साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैंने मीन्स एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन मिसिंग थे एक क्वेश्चन। सो डियर सरबजीत कौर जी, दिस इज़ द रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ द ICAR। सो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, सो आई थिंक दे विल ट्राई टू फिक्स इट एंड डू द जस्टिस इन फेवर ऑफ यू टू। उसके बाद शुभम के कहते हैं, आई गेव माई एग्जाम ऑफ ICAR JRP इन द प्लांट साइंस ग्रुप, IRI में कितनी मार्क तक एडमिशन हो जाएगा सर? ओके एंड सर व्हाट शुड आई प्रिफर, JRF और BHU? अगर आपका JRF होता है तो डियर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप JRF लेना, क्योंकि यू विल गेट द स्टाइपेंड, अ गुड स्टाइपेंड, एंड इफ़ यू विल गेट द गुड स्टाइपेंड देन यू कैन डू अ गुड रिसर्च बिकॉज योर मेंटल स्टेट विल बी गुड। एंड BHU इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यू कैन डू फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट वट वुड बी माई सजेशन, इफ यू गेट फेलोशिप then definitely you should opt the policy, because financially you will be strong, then you will do good research and you can decide your career in the future, ठीक है शुभम जी। तो ये मेरा सजेशन था। एंड अगेन शुभम कहते हैं, सर आई गॉट AIR 17 एंड AIR 8 OBC इन BHU एग्जाम, मुझे प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स डिपार्टमेंट मिल सकता है क्या? तो आपकी रैंक तो अच्छी है, 17 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गेट प्लांट ब्रीडिंग इन BHU। वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आंसर की? सॉरी डियर मुझे नहीं पता है। MM कमेंट करते हैं, हेलो सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट, आई एम करंटली परसुइंग माई BSc एग्रीकल्चर, आई वॉन्ट टू डू द MSc प्लांट ब्रीडिंग, बट आई एम रियली कन्फ्यूज ऑन हाउ टू प्रैक्टिस फॉर MCQ बिकॉज everyone has MCQ प्रैक्टिस करने के लिए डियर आपको पहली बात तो लेसन का जिस चैप्टर का आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लीजिए सेल, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ सेल और मेंडेलियन थ्योरी का आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे पहले उसकी थ्योरी को पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है ना। देन यू विल नॉट कन्फ्यूज, इफ सपोज समथिंग रॉन्ग इज देयर देन यू कैन मेक ए डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन। सपोज यू रेड सेल, ठीक है, देन आफ्टर दैट यू आर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द सेल। सो सपोज यू आर हैविंग कन्फ्यूजन इन सॉल्विंग दैट question, then you are knowing that from where you will get the answer because you have already read the cell chapter. तो इस तरह से आपका एक टू वे कम्युनिकेशन होगा एंड यू विल गेट ए वेरी कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन, सो डू दैट। उसके बाद नरवेकर कहते हैं, इज इट किल राइस पेडी प्लांट, ये ग्लाइफोसेट के आपने एक जो मैंने वीडियो डाला था उस पर आपने कमेंट किया, तो ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव एंड सिस्टमिक हर्बिसाइड दोस्त, अगर आप अप्लाई करोगे किसी भी वेजिटेटिव पार्ट पर पड़ जाएगा तो एक किल कर देगा, ठीक है, तो राइस भी किल हो जाएगा अगर उसके ऊपर ही पड़ गया तो, ठीक है ना। तो ये तो थे जो लास्ट वीक आप लोगों ने हमारे पर कमेंट किए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन आस्क किए थे, मैंने अपनी तरफ से आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व गिव द आंसर एंड रिप्लाई एंड टू सेटिस्फाई यू। तो इस वीडियो को लाइक करो जिससे कि इसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, तो आपके जो और भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं दे विल आल्सो लेट टू नो दैट दिस टाइप ऑफ द थिंग इज गोइंग ऑन एंड दे विल कम ऑन द राइट पाथ, बिकॉज मेनी ऑफ द एग्रीकल्चर स्टूडेंट दे आर डिविएटेड बिकॉज ऑफ द नॉट गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के गाइडेंस हैं, उनको भी हेल्प कीजिए, इसको शेयर करेंगे तो उनका हेल्प होगा। तो
इन्हीं सब के साथ इसी तरह से कमेंट करते रहिए, एंड इम्प्रूवमेंट के जो भी चांस हैं यू शुड कमेंट इन माई इनबॉक्स सो दैट माई वीडियो विल गेट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाय बाय.